चैनल। तो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रेंडिंग सॉन्ग पर रील्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस उसी के बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो गाइस आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कर लेना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा आपको वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइस आप फिर बोलोगे कि भाई ये वीडियो मेरे समझ में नहीं आया, तो गाइस आपको वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। तो गाइस आगे मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही न्यू ट्रेंडिंग रील्स वीडियो के ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको वीडियो की पूरी प्रोसेस बताते हैं। तो गाइस चलिए। सो गाइज इस तरीके का रील्स वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन को ओपन हो जाने के बाद गाइज मेरे सामने कुछ स्पायरल इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। मुझे सिंपली से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मुझे एक नॉर्मल वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आप भी अपना नॉर्मल वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से नॉर्मल वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस एरो वाले ऑप्शन पे डन कर देता हूँ। डन कर लेने के बाद गाइज ये वीडियो मेरे सामने आ जाता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों मुझे ऐड टू स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद गाइज मुझे फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों एक मेरी फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये फोटो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप इजीली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसको चूज़ कर सकते हो। इसको चूज़ कर देने के बाद दोस्तों इसकी लेंथ को मेरे वीडियो के बराबर रख देना है कुछ इस प्रकार से। इसको कर लेने के बाद दोस्तों मुझे फुल कर देना है इसको कुछ इस प्रकार से और इसको ऊपर की ओर ले आना है। ऊपर की ओर ले आने के बाद गाइज मुझे मार्क्स वाले ऑप्शन पे ले जाना है। लाइस्टर में जाके मार्क्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों मुझे लाइनर पे क्लिक कर देना है। लाइनर पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मुझे कुछ इस प्रकार से इसको घुमा देना है और कुछ नीचे की ओर ले आना है कुछ इस प्रकार से। जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है, कुछ इस प्रकार से ले आना है और इसको डन कर देना है। डन कर लेने के बाद गाइज मुझे वीडियो पे क्लिक कर देना है, फिल्टर पे क्लिक कर देना है, एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। एडजस्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको वीडियो के हिसाब से कर लेना है, एक्सपोजर को, कॉन्ट्रास्ट को कुछ इस प्रकार से कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको भी इसी प्रकार से कर लेना है, माइनस प्लस कर देना है, अपने वीडियो के हिसाब से कर लेना है गाइस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसको डन कर देना है। डन कर लेने के बाद गाइज आप देख सकते हो, इसको कर देने के बाद गाइज मुझे वीडियो के फस्टर में आ जाना है। वीडियो के फस्टर में आ जाने के बाद गाइज मुझे फिर से ऐड टू स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड टू स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद गाइज मेरे सामने फिर से गैलरी ओपन होके आ जाती है। तो दोस्तों मुझे ये 12 सेकंड वाला वीडियो यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों ये 12 सेकंड वाला वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप इजीली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसको चूज़ कर सकते हो। इसको चूज़ कर लेने के बाद दोस्तों इसको मुझे फिल कर देना है। यहाँ से फिल कर देने के बाद गाइज मुझे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद गाइज मुझे कलर डोज कर देना है और इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो आपके वीडियो पे ब्यूटी के हिसाब से यहाँ पे फोकस गिरने लगता है। तो दोस्तों मुझे लाइस्टर में चले जाना है। लाइस्टर में जाने के बाद दोस्तों इसके बराबर मुझे वीडियो को रख देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देना है कुछ इस प्रकार से। इसको कर देने के बाद दोस्तों मुझे इस वीडियो को एक्सपोर्टिंग कर लेना है। एक्सपोर्टिंग करने के बाद गाइज मेरा एक्सपोर्टिंग होने के बाद दोस्तों मुझे फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों एक तो मेरा लिरिक्स वाला वीडियो सेलेक्ट कर देना है और एक मेरा एक्सपोर्टिंग जो अभी मैंने एक्सपोर्टिंग किया था वो वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको दो वीडियो को यहाँ से ऐड कर देना है। तो गाइज ये लिरिक्स वाला वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप इजीली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसको चूज़ कर सकते हो। इसको चूज़ कर देने के बाद गाइज मुझे एरो वाले ऑप्शन पे डन कर देना है। एरो वाले ऑप्शन पे डन कर देने के बाद दोस्तों दोनों वीडियो मेरे सामने आ जाते हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों मुझे लाइस्टर में चले जाना है और यहाँ से ब्लैक स्क्रीन वाला वीडियो डिलीट कर देना है। इसको डिलीट कर देने के बाद गाइज मुझे म्यूजिक वाले ऑप्शन पे चले जाना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों एक म्यूजिक को यहाँ से चूज़ कर लेना है।
तो दोस्तों ये म्यूजिक मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप इजीली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसको चूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं ऐसे चूज़ कर लेता हूँ इसको। इसको चूज़ कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये वीडियो मेरे सामने आ जाता है। तो दोस्तों जो मैंने दोनों पार्टों के बीच में जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मुझे जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद दोस्तों आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको वीडियो को प्ले करके देखता हूँ वीडियो कैसा बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।